हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरजे ब्लॉग। और कैसे आप सब, आई होप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं आया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग बनाने के लिए। और ब्लॉग जो भी रहेगा वो तो हम जानते रहे, क्योंकि हमारा हमेशा डेली कंटेंट, कोई रैंडमली कंटेंट बनता है। और मेरे साथ आज जो ब्लॉग शूट करने आया है वो देखिए, मैं आपको खुद ही कैमरा रोटेट करके दिखाऊंगा। या बताइए कैमरा। सो गाइस ये देखिए, ये लड़की ब्लॉग बना रही है मेरे साथ। भाई ये देखिए, मेरे साथ जो आज मेरा कैमरा पर्सन है वो ये है, क्यूट फ्रेंड अपनी शिवानी। कैसी है? हेलो, बस ठीक हूँ, आप बताओ? ठीक। क्या ये क्या पसीना आ रहा है? गर्मी है सच में? हाँ यार, गर्मी तो बहुत है। और घर पे ठीक सब? बस बढ़िया। तो आप बताइए क्या कर रहे हैं आजकल? अगर मैं आपको चैलेंज दूं, देखती हूँ ना आप कितना अच्छा उतरते हो उस पे। तो आपने एडिटिंग की होती है जो ऐसे आप करते हो अपलोड? हाँ। मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि उसमें एडिटिंग होती है? क्योंकि उसमें होती है। किस तरह से, मतलब क्या लगता है? पीछे जो म्यूजिक है, जो फिल्टर भी, और पीछे जो म्यूजिक है वो चलता है और आप सिंगिंग करते हो। अच्छा, सो गाइस देखा, आज कैमरामैन इतना तेज हो गया हुआ है कि वो पूछ रहा है मुझसे कि आपने जो सिंगिंग की, वो एडिटिंग की, ये वो। तो चलो यार, सब अपनी अपनी सोचते हैं, तो ये भी, इनकी भी अपनी सोच है, हमारे क्यूट फ्रेंड शिवानी की, तो क्या बोल सकते हैं। वैसे मैं कहूँ तो मैंने एडिटिंग तो की थी, सीधी सी बात। तो फिर मैं मतलब रैंडमली लाइव गाया मैंने। अच्छा ठीक है, तो आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं जिस भी सिंगर का नाम लूंगी आप उसी का सॉन्ग सुनाओगे मुझे। अच्छा ये चैलेंज गाइस, देख रहे हैं, मतलब किसी भी सिंगर का नाम लेना है इसने, तो वो मुझे गाना पड़ेगा। वैसे ऐसा चैलेंज क्यों यार, इतना टफ चैलेंज है? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप रियल में भी कितना अच्छा गाते हो, क्योंकि घर पे बैठ के गाते हो वो मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ इसलिए। अच्छा जी, तो यार मुझे गाना पड़ेगा। सिंगर कौन से होंगे? कोई भी हो सकते हैं वो। ये तो कुछ ज्यादा टफ लग रहा मुझे, वो मैं अपनी मर्जी से बताऊंगी। तो सिंगर कुछ ऐसे होने चाहिए ना जो, हाँ जो अभी लेटेस्ट ही होंगे। हाँ ट्राई करूंगा, वैसे लेटेस्ट ही होंगे। गाइस देख रहे हैं आप, चैलेंज दिया इसने मुझे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इस चैलेंज को सुन के, बहुत ही टफ चैलेंज दिया है। तो चलो ट्राई करते हैं इस लड़की के चैलेंज को, देखते हैं कौन कौन सा सिंगर बताती है और मुझे गाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलो आप बताना मुझे, ठीक है, कौन से सिंगर का गाना? ओके। सो गाइस देखिए, मैडम अभी सॉन्ग्स वगैरह देख रही है और सिंगर के नाम छांट छांट के ढूंढ रही है कि किस सिंगर का दिया जाए चैलेंज। तो चलो हम भी रेडी हैं। निकाल रही हो जी? तो एक चीज बता दूं, जी सॉन्ग जो भी दोगी बट मैं लिरिक्स देख के गा सकता हूँ, ठीक है? मैं फोन से लिरिक्स नेट ऑन करके, तो वहाँ देख के तो मैं गाऊंगा। तो बाकी चैलेंज जो भी रहेगा वो मैं कंप्लीट करूंगा, पूरी कोशिश रही, ठीक है? तब तक तुम मुझे बताओ ढूंढ के कौन से सिंगर का गाना है। पहले बताओ सिंगर नाम बता दो मुझे। आप मुझे सबसे पहले सुनाएंगे अरिजीत सिंह। ओके, अरिजीत सिंह। और उसके बाद अरमान मलिक। अच्छा अरमान मलिक। और जुबिन। अच्छा जुबिन। सो गाइस इसने अभी मुझे बताया है कि कौन कौन से सिंगर, बताओ फिर से। अरिजीत, अरमान मलिक, के जुबिन। ओके ओके ओके। सो गाइस सुन रहे हैं आप, देखिए शिवानी ने मुझे चैलेंज दिया जो कि अपना एक अरिजीत सिंह का सॉन्ग गाना पड़ेगा, एक अपना जो मेरा, अच्छा अच्छा अरमान मलिक हो गया, और मेरा फेवरेट सिंगर है जो के। अच्छा उसका गाना पड़ेगा साथ में के, और एक कौन सा बोला लास्ट हमने, जुबिन। ओके जुबिन। चलो गाइस सिंगर तो वैसे काफ़ी बढ़िया इन्होंने चुन के निकाले हैं, तो मुझे भी अब थोड़ा सा गाना पड़ेगा, तो चलो करते हैं स्टार्ट आगे। तो ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि आप रेडी हो, तो मैं आपको फर्स्ट देती हूँ अरिजीत सिंह। ओके, अरिजीत सिंह का सॉन्ग, चलो कोई भी गा सकता हूँ मैं। हाँ हाँ, जो आपको पसंद। सो गाइस शिवानी ने मुझे चैलेंज दिया है अभी, तो पहले तो अपने अरिजीत भाई का सॉन्ग गाने वाला हूँ।
तो लिरिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जैसे क्योंकि मैं सॉन्ग्स कभी कभार सुनता हूँ, बट ये मैंने अभी लिरिक्स निकाले हैं इसी के फ़ोन में। तो ये सॉन्ग है पहले अरिजीत सिंह का, जो चैलेंज दिया इसने, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, 100 बार जन्म लूँ तो भी तू ही हमदम, हर दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बस इतना काफी है। हाँ। ये हो गया अरिजीत का, ठीक है। ये सुनाइए फिर आप केके का सॉन्ग। ओके, केके का बहुत ही फेमस सॉन्ग है, चलो वो मैं बहुत अक्सर गाता हूँ, तो वही मैं इस चैलेंज के लिए गाऊंगा, ठीक है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं, वो बना दे जो पतंग सांसे तेरी वो हवाएं है। सो ये मेरा केके का बहुत ही, अब बैठ जिस पोजीशन में बैठा हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गाने में, चलो फिर भी गाया मैंने। बाकी गाइस आप बताना यार कैसा गा रहा हूँ। अब अगला सिंगर कौन सा है? जुबिन। जुबिन का, चलो जुबिन भाई का सॉन्ग गाऊंगा, इसमें लिरिक्स निकालता हूँ फोन पे। ये फिर सुनाइए। सो गाइस अभी जुबिन नौटियाल का सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, तो ये भी काफी फेमस सॉन्ग था, तो चलो ट्राई करते हैं। दो सॉन्ग मैंने गाए हैं अभी, तो ये थर्ड वाला है जुबिन का। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुम्हें कितना चाहे और हम, तुम्हें कितना चाहे और हम। तीसरा सॉन्ग हो चुका है, अब कौन रहा लास्ट, इतना टफ चैलेंज। अरमान मलिक। ओह, उन्होंने मेरी जान लेनी है आज। इतने गाइस देखिए, सब बढ़िया से बढ़िया सिंगर का चैलेंज मुझे इस लड़की ने दिया, तो चलो यार इसका भी ट्राई करता हूँ मैं। ये सॉन्ग निकाला मैंने इसका, तो चलो ट्राई करते हैं। कैसे कहूँ इश्क मैं तेरे कितना हूँ बेताब, मैं आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब, मैं मेरे साए है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो।
ये नशा या है जहर इस प्यार को बस ठीक है इतना ही। सो गाइस फाइनली फोर्थ सॉन्ग मैंने गाया, तो अब आप यार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से सिंगर का सबसे बढ़िया गाया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने सबका बेस्ट देने की ट्राई की, बट बढ़िया तो आप ही जज कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। और इसने मेरी आज तो बिल्कुल ही हवा निकाल ली इस लड़की ने ऐसा चैलेंज देके। तो सो गाइस मैंने देखो इसका चैलेंज जो इसने दिया था मैंने एक्सेप्ट किया, चारों सिंगर के सॉन्ग गाए बिल्कुल लाइव आपके सामने। तो अब देखिए मैडम थोड़ी सी दंग रह गई है सुन के, अब बोलो मैडम कैसी थी एडिटिंग मेरी? अच्छा लाइव सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा, यहाँ तक कि यहाँ का इनफैक्ट यहाँ का मौसम भी कितना सुहावना आ गया। अच्छा जी गाइस देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा दिख रहा है सॉन्ग सुन के। देखिए गाइस क्या समझूं मैं फिर सॉन्ग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सॉन्ग सुन के शायद इम्प्रेस तो नहीं होगी लड़की। हाँ गाइस देखिए ब्लश कर रही है ये, चलो अच्छी बात है मेरे सॉन्ग अच्छे रहे, पत्ते मेरे ऊपर पतझड़ हो रही है अब देखिए। चलो अब बताओ फिर कैसा लगा? अच्छा गाया। अच्छा अब बोलो कि दूसरी बार की एडिट करता हूँ ये वो फिल्टर लगा। अब तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप और ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग के ब्लॉग दो ताकि लोग भी सुने। अच्छा जी अच्छा जी देखा गाइस सुन रहे हो, अब यही करना पड़ेगा मुझे। तो चलो यार मुझे अच्छा लग रहा है कि इसे मैडम को अच्छे लगे सॉन्ग मेरे, तो चलो ये चैलेंज यहीं पे अब खत्म करते हैं। और उसी के साथ ये कंटेंट भी बाकी आगे का देखता हूँ, अब आगे जो भी कंटेंट रहेंगे आप प्लीज़ और नए से नए बढ़िया से बढ़िया। ये तो चलो इसी का कंटेंट था, इसी ने मुझे दिया था तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। तो जो भी अब नेक्स्ट ब्लॉग रहेंगे तो आपको मिलेंगे चलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी अपना ख्याल रखिए बढ़िया रहिए। चलो कर बाय बाय करो।